आज का ये जो सेशन होगा जिसके अंदर अपने बात करेंगे बिजली का जो टॉपिक नंबर 22, और इस 22 नंबर टॉपिक के अंदर रेजिस्टेंस टॉलरेंस के बारे में आपको बताया गया है। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है और यहाँ से क्वेश्चन आजकल जो एग्जाम में आप लोग देख रहे हो उसमें पूछा जा रहा है, तो एक करंट का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो सेशन को ज्वाइन कर लीजिए, सेशन को लाइक शेयर कर दीजिए, और कल की जो क्लास थी जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि जितने भी जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो किस किस सिद्धांत पर काम करते हैं। तो देखो मेनली चीज यही है कि इसको याद कैसे रखना है और उसी को अपने आज देखेंगे। देखो अगर आपको मैं बात करूं तो टॉलरेंस की जो सीरीज चलती है वो तीन होती है। एक तो होगा आपका ई सीरीज, एक होगा अल्फा न्यूमेरिकल, और एक होता है कलर कोड। नॉर्मली आप लोग जो बीबी रॉय की जो टेबल याद करते हो तो उसमें कलर कोड वाला तो आपको याद ही रहता है, और यहाँ से जो दो अलग जो चीजें निकल कर सामने आती है ई सीरीज और अल्फा न्यूमेरिकल, उसको आज हमने देखेंगे। तो उनको अपने किस तरीके से करने वाले हैं। तो यहां से देखिए कि इसको याद कैसे करना है। देखो सबसे पहले ई सीरीज को कैसे याद करेंगे। तो ई सीरीज की अगर मैं बात करूं यहां पर, तो आपको ई 3 से स्टार्ट करना है और फिर इसका डबल करते जाना है। देखो डबल करेंगे तो 6 होगा, फिर 12 होगा, फिर 24, फिर 48, फिर 96, फिर 192। 192 का जब आप लोग डबल करोगे तो आपको जल्दी से दिमाग में नहीं आएगा। इसका मतलब आपको एक बात याद रखनी है कि E3 से लेकर के 192 तक जहां तक आपको ये याद रहता है उतना ही आपको याद करना है। तो यहां से आप लोग 3, 6, 12, 24, 48, 96, 192 तक आपको याद हो चुका है। अब आपको कुछ नहीं करना, 50 से स्टार्ट करना है। 50, 50 का आधा 25 होगा, 25 नहीं लिखना, 20 लिखेंगे, 20 का आधा 10 होगा, 10 का आधा 5 होगा, 5 का आधा 2.5 होता है, वो आप लोग यहाँ नहीं रखेंगे, 2 रखेंगे ओनली, 2 का आधा 1 होगा, 1 का आधा आधा होता है, आधा या और आधे का आधा करें 3.25। तो एक ई 192 जो सीरीज है उसके अंदर आपको जो ये दो याद रखने हैं। और एक चीज मैं बता दूं, ये जो डाटा जो लिखा होता है ये मेटल रेजिस्टेंस होता है, उसके ऊपर लिखा होता है, ठीक है। तो ये सीरीज आशा करता हूँ कि आप लोगों को याद हो चुकी होगी। और अब आपको अल्फा न्यूमेरिकल याद रखना है। देखो अल्फा न्यूमेरिकल में ए यहां तक आ चुका है, फिर आपको स्टार्ट करना है बी से, बी सी डी। ई आपने सीरीज याद कर ली, उसको छोड़ दीजिए। ई के बाद में आएगा एफ, एफ के बाद में आएगा जी। के याद नहीं कर रहा, एफ जी एच आई को भूल जाइए, फिर याद रखेंगे जखम से, जे के एम, ठीक। अब देखो जखम से आपको देखो यहाँ करना है 5, इसका हो जाएगा 5, इसका हो जाएगा 10, इसका हो जाएगा 20। 5 का आधा करोगे तो 2.5 होगा, 2.5 नहीं लिखेंगे, 2 लिखेंगे। 2 का आधा कितना हो जाएगा 1, 1 का आधा कितना हो जाएगा आधा, आधे का आधा कितना हो जाएगा 2, 0.25 होगा, लेकिन 0.25 नहीं लिखेंगे, कितना लिखेंगे 0.2। 0.2 का आधा कितना होगा 0.1, ठीक है, 0.25 होगा इसका। तो यहां से आपको ये सीरीज याद हो चुकी होगी। तो मेनली अपना यही होता है कि इसको याद किस तरीके से कर सकते हैं। एक बार आप लोग दोबारा देखें, सेशन को शेयर कर देना, जितने भी कैंडिडेट सेशन को देख रहे हैं। देखो इसमें देखो आपको 50 का आधा 25 होगा तो आपको यहाँ 20 करना है, फिर 10 आधा कर दोगे, फिर आधा करेंगे तो 5, फिर आधा करेंगे तो 2.5 आएगा, तो आप लोग सीधा 2 रखेंगे, फिर इसका आधा करेंगे तो 1 आएगा, 1 का आधा आधा होगा, और आधे का आधा 0.25 होगा, वो आप लोग यहाँ रख सकते हो। टॉलरेंस में 0.25 जरूर आएगा, लेकिन सीधा 25 या 2.25 नहीं आएगा। फिर देखो बी बी सी डी एफ जी जे के एम, तो जखम से याद रखना यहाँ पर जय खम जखम, तो यहाँ से 5, 10 और 20 ये याद हो जाएगा। फिर उसके बाद में आपको कुछ नहीं करना, उल्टा चलना है, और इसको याद रख सकते हो फर्स्ट गर्ल से, याद रख सकते हो, फर्स्ट का फर्स्ट हो जाएगा मतलब एक हो जाएगा, गर्ल्स नीचे जी आएगा तो इसको 2 कर दोगे। उसके बाद में देखो बी सी डी, फिर जैसे ही आप लोग अब से ऊपर जाएंगे तो इसका आधा कर दोगे, 0.5 हो जाएगा, इसका आधा करेंगे 0.25, और इसका आधा करेंगे तो 0.25 का आधा लमसम 0.125 होता है, तो आपको यहाँ 0.1 रखना है। अब मैं यहाँ से कुछ चीजें आपसे पूछने वाला हूँ तो आप लोग मेरे को बताएंगे, ठीक है, सभी कमेंट करेंगे। अगर आपसे पूछ ले के जो होता है, अगर किसी
रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर के लिखा है, तो आप लोगों को ये बताना है कि उसकी जो टॉलरेंस होगी वो कितनी होगी। सभी कमेंट करेंगे, के का बता दीजिए यहाँ पर। तो जख्म से याद रखेंगे, जख्म तो इसका आएगा आपका 5 और इसका आएगा 10, तो इसका कितना आ जाएगा, 10% आ जाएगा। इसी तरीके से अगर आपसे पूछ रहे E96 कैसे करेंगे, देखो 3 से स्टार्ट करेंगे, 3 6 फिर हो जाएगा 12, 12 का आधा कितना हो जाएगा 24, फिर आ जाएगा आपका 48, फिर आ जाएगा 96, या आएगा 50, फिर आएगा 20, फिर आएगा 10, फिर आएगा 5, फिर आएगा आपका 2, फिर आपका आएगा कितना 1। तो E96 का जो टॉलरेंस होगा वो कितना आएगा, 1% प्लस माइनस आपको आगे रखना। किताब आपको एड्रेस 1 वीक में हो जाती है, 5 से 6 दिन लगते हैं, ठीक है। इसी तरीके से अगर आपको पूछ ले जी का, तो मैंने आपको बताया था फर्स्ट गर्ल्स से याद रखेंगे, तो फर्स्ट का 1 आ जाएगा, गर्ल्स बाद में आएगी तो 2 कर देंगे इसका, ठीक है। इसी तरीके से अगर आपसे पूछ ले E24 का, तो आपको करना है 3 6 12 और 24, इसको स्टार्ट करेंगे तो आएगा 50, इसका कितना होगा 20, इसका आएगा 10, इसका आएगा कितना 5। E24 का जो टॉलरेंस होगा कितना आएगा, 5% है। तो बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको मैंने याद करवा दिया, और दोनों के दोनों जो क्वेश्चन थे आपके इसके अंदर आए थे, टेक्निकल हेल्पर की परीक्षा में भी आए थे। तो मिलेंगे नए सेशन के अंदर, जहां आपने एक नई चीज को करने वाले हैं, ठीक है। अगर आपको ऑनलाइन परचेज करना है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, वहां से कर सकते हो। ऑफलाइन अगर परचेज करना है तो घर से कर सकते हो, जहां से आपका मन करे वहां से कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और बिजली वन डे सीरीज के नाम से लिंक होगा, वहां से आप लोग कर सकते हो, ठीक है। तो मिलेंगे नए सेशन के अंदर एक नई चीज के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।